अगर बड़े इस तरह के
क्वेश्चन आएंगे आएंगे तो ठीक है ना, ट्रेस प्लस स्टूडियो में चले जाएंगे, लेकिन कैसे फॉर्म बनाना समझाता हूँ। पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, किस फॉर्म में लेके आएंगे बेटा, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे बेटा, किस फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपल फॉर्म, ठीक है। और देखिए सिंपल फॉर्म में लेके आऊँ बेटा, उसके लिए देखो आपको थोड़ा सा ना चेंजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं 1/√x को a मान लूं, क्या मान लूं बेटा, a, 1/√y को b मान लूं, मान ले ध्यान के लिए, if 2 × 1/√x² 3 × 1/√y² 4 × 1/√x² 9 × 1/√y² तो है बेटा, बड़ी बात समझाएंगे तो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, तो बोलिए बेटा
ठीक है, आप सोच रहे हैं भाई घर पर बैठ के आप लोग करने में बैठे उतना आउटपुट नहीं आ पाएगा आपके पास, ठीक है। आपको लगता है सुनते सुनते नहीं पाए, आप लोग सुनते थे, आप लोग देखते थे वीडियो में क्या देखते थे, आप लोग वीडियो देखते थे तो ये तो देख के देख रहे होंगे, खड़ा खा रहे थे तो सुन रहे थे, इतना बनाया है पूरा सा इतना काम कर देते हैं ऐसा ही था। देखिए बेटा क्वेश्चन को समझिएगा, 7x माइनस 2y इक्वल टू 5, 8x माइनस 2y इक्वल टू 15, 8x को 7y, 7y इक्वल टू 15 अपॉन xy, ये xy को कीजिए 7xy से, बोलो बेटा समझ में आ गया, तो प्रॉब्लम देखो बाकी मैं क्या करूँ एक्स वाई से डिवाइड लगा दो, अरे जो मेरे को चाहिए नहीं उसको डिवाइड लगा दो, हमें चाहिए नहीं एक्स वाई डिवाइड लगा दो दोनों में, अगर मैं बेटा देखो इसका मतलब फर्स्ट कुछ नहीं है ये सेकंड और लीगल विश्वास से मैं डिवाइड इन बाई एक्स वाई बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड से अगर डिवाइड कर दिया रट्टा नहीं मारना, ये ना वहां पे यहां पे काम आता है कौन सा,
आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि बेटा कि सर ने जो बताया था ना कि यार नीचे 122 में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो हम क्या मानने बेटा ये बताओ भाई। क्वेश्चन को लिख दीजिए आराम से, तो बेटा ये आप लोग वीडियो देख रहे हैं बेटा, आप लोग इसको सोच लीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, ठीक है? थैंक यू बेटा। Thank you.